बंधुओं का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कल सुबह सोमवार 9 तारीख को एक नेशनल हेल्थ वॉलंटियर कैंपेन जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। ये कैंपेन दिल्ली के हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय मैं माननीय राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने विधिवत रूप से 28 जुलाई 2021 को इसका शुरुआत की थी। ये नेशनल हेल्थ वॉलंटियर कैंपेन वहाँ लॉन्च की थी, जिसके तहत लगभग 30 प्रदेश और यूटी से 120 कार्यकर्ता लगभग 120 के करीब कार्यकर्ता वहाँ पे आए थे और एक वन डे वर्कशॉप वहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी। उस वर्कशॉप में जो अलग अलग प्रदेशों से यूटी से लोग आए थे, उन सबको एक पूरे दिन में कोविड-19 की जिसका हमें डर है, एक अप्रिहेंशन है, भगवान ना करे वो आए, लेकिन अगर वो आती है तो उसको किस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के हेल्थ वॉलंटियर जो है वो कैसे उसको टैकल करेंगे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सरकार का सहयोग करेंगे, इस बारे में एक वर्कशॉप की गई, जिसमें हमारे चार बड़े ही अच्छे डॉक्टर कार्यकर्ता जो हैं, जो हमारे पीजी कार्यकर्ता हैं डॉक्टर, उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग दी और अलग अलग विषयों पर कोविड का जो शुरू से लेके उसके साइन सिम्टम से लेके पेशेंट को कैसे आइसोलेट करना है, कहाँ सैनिटाइजेशन करानी है, किस तरह से पेशेंट को किस स्टेज में घर पर रखना है, कब स्टेज पे उसको हॉस्पिटल दाखिल कराना है, जो सरकारी सेटअप है, सरकारी तंत्र है, उसके साथ किस तरह से अपना समन्वय बिठाना है, इन सब बातों को लेके एक वर्कशॉप जो है वो दिल्ली में की गई। इसी के संदर्भ में कल 9 अगस्त को सुबह पूरे दिन की एक कार्यशाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर में की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली से हमारे माननीय शिव प्रकाश जी, जो हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे। पार्टी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी रहेंगे, संगठन मंत्री अशोक कौल जी रहेंगे और हमारे चार बहुत ही अच्छे जो पीजी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे और लगभग पूरे प्रदेश की जो हमारी अगर हम सरकारी जिले की बात करें 10 जिलों से चार चार कार्यकर्ता और पार्टी संगठन के लिहाज से 17 जिलों के चार चार कार्यकर्ता जो है वो कल वहाँ आएंगे। पार्टी के द्वारा जो नियुक्त किए गए प्रभारी वो रहेंगे, सह प्रभारी रहेंगे। इन सभी कार्यकर्ताओं की एक हेल्थ वॉलंटियर के तौर पे कल एक कार्यशाला होगी, उनको जैसे मैंने कहा कि कोविड के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि भगवान ना करे तीसरी लहर आए, लेकिन अगर आती है तो उसको किस तरह से हमने गाँव से लेकर शहर तक उसको कैसे मैनेज करना है, और हमारा जो कार्यकर्ता होगा वो पहले प्रदेश स्तर का होगा, उसके बाद जिला का बनेगा, उसके बाद मंडल का बनेगा और मंडल से लेके हर बूथ से दो दो कार्यकर्ता जो हैं वो निकलेंगे। आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर के हमारे लगभग 10,500 बूथों से 21,000 कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में उनको तैयार करेगी, जिसमें महिला कार्यकर्ता रहेंगी, हमारे डॉक्टर्स रहेंगे और हेल्थ विभाग से संबंधित जो कोई भी लोग हैं वो उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में, एक वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे और आने वाले समय में अगर ऐसा कोई थर्ड वेव जो है आती है तो वो गाँव से लेके बूथ स्तर से लेके जो हमारा जो जम्मू है, श्रीनगर है, जो म्यूनसिपल के हमारे टाउन्स हैं, उस लेवल तक हमने कार्यकर्ता अपने तैयार किए गए हैं। इसी संदर्भ में कल जो हमारी बैठक रहेगी उसमें मुख्यतः उसकी जो इनॉग्रेशन होगी वो माननीय शिव प्रकाश जी करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी हमारे अपने अध्यक्षीय भाषण में कार्यकर्ताओं को इसकी पूरी जानकारी देंगे और पहले